अब देखो पहले बात करेंगे एमसीयू के फेज 5 की पहली मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के बारे में, जो कि ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में आने वाली है 17 फरवरी को। बट अभी हाल ही में इसके ऑफिशियल रिव्यूज निकल के आ चुकी हैं, जो कि काफी अच्छे निकल के आ रही हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हर बार अच्छे निकल के आती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये काफी स्कैरी एंड शॉकिंग है। इसी के साथ ही ये एमसीयू के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि इस बार ये मूवी कोई लाइट कॉमेडी मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि उसके उलट ये काफी डार्क मूवी होगी, जिसमें कि आपको एमसीयू के किसी मेजर रोल की डेथ भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मूवी के बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसे देखकर स्टार वॉर्स वाली वाइब्स आ रही है। वहीं अगर बात करें कैंग के बारे में तो जैसा नाम है वैसा काम भी है, क्योंकि कैंग ने वाकई कॉन्कर कर दिया है। एंड लगभग सभी ने कैंग का रोल प्ले करने वाली एक्टर जोनाथन मेजर्स की तारीफ भी की है। बाकी ये मूवी एमसीयू की 31st मूवी होने वाली है, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो नीचे #AntMan3 कमेंट करना मत भूलना। अब अगर बात करें जॉन विक पार्ट 4 के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है अगले महीने यानी कि 23 मार्च 2023 को, जिसके लिए इसके फैंस ने काफी लंबे टाइम से वेट किया है, क्योंकि इससे पहले हमें जॉन विक का पार्ट 3 देखने को मिला था 2019 में, और करीबन उसके 4 साल बाद देखने को मिलेगा इसका पार्ट 4। एंड अभी हाल ही में रीव्स ने मूवी के बारे में कुछ बातें भी रिवील की हैं, जिसमें कि वो कहती हैं कि आपको जॉन विक के पार्ट 4 के अंदर उतना एक्शन देखने को मिलने वाला है जितना कभी भी आपने जॉन विक फ्रेंचाइज की किसी भी पिक्चर के अंदर अभी तक नहीं देखा है। स्पेशली वो बात करती हैं एक कार चेस सीक्वेंस के बारे में, जो कि इसके फैंस के लिए बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जॉन विक के पार्ट 4 का रोल उनके करियर का अभी तक का सबसे डिफिकल्ट रोल था, क्योंकि स्पेशली उन्होंने इसके लिए कार ड्राइविंग सीखी, नॉर्मल नहीं बल्कि स्टंट वाली, क्योंकि उन्हें कई बार मूवी के लिए ड्रिफ्टिंग शॉट देने थे। और बाकी अभी हाल ही में यहाँ से मूवी के कुछ फोटोज को भी रिवील किया गया है। अब देखो अगर बात करें फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 10 के बारे में, तो कल यानी कि 10th फरवरी को आपको इस मूवी का फर्स्ट ऑफिशियल क्लिप देखने को मिलेगा, जो कि करीबन 3 मिनट लंबा होगा। हालांकि इसके रिलीज होने का ऑफिशियल टाइम क्या है तो वो तो रिवील नहीं किया गया है, पर फिर भी इस बात की हाईली चांस है कि ये क्लिप आपको देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में 9:30 PM के आसपास। और बाकी इसके पार्ट 10 का बजट है $340 मिलियन, जो कि ऐसी मूवीज के लिए काफी ज्यादा होता है। मूवी आने वाली है 19 मई 2023 को, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो नीचे #FastX कमेंट करना मत भूलना।